खबरें मध्य प्रदेश से मुरैना ब्रेकिंग। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार स्थित एमसीएन डिस्क सेंटर के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक। दमकल गाड़ियों की मदद से जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। पुलिस आग के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। नाम है आपका? टिंकू। टिंकू भाई, ये आग लगी है, क्या था इसमें? इसमें डिस्क का कंट्रोल रूम चल रहा था रात को करीब 1:30 बजे। जब मेरी आँख एक जब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ अंदर धुआं आ रहा है, तो मैंने देखा कि उसमें आग लग चुकी थी पूरे सिस्टम में। मैं एकदम भागा, मैंने आसपास पड़ोस में कुछ बुलाया, लेजम बेजम से पानी चलाई, फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया। करीब कितना नुकसान हुआ होगा टिंकू? करीब हो गया 1 करोड़ का नुकसान पूरे शहर की। शहर का सब सर्वर यहीं से था, डिस्क का, नेट का, पूरा सब सिस्टम यहीं से चल रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आधे गांव में मनाई गई गोपाष्टमी। विमल कुमार चौबे, नर्मदा की पुकार संभाग। जिला सिवनी के आधे गांव में बजरंग दल द्वारा गोपाष्टमी के अवसर पर आधे गांव प्रखंड केंद्र में स्थानीय खेरापति माता मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सभी उपस्थित बजरंगी भाइयों द्वारा सर्वप्रथम गौ पूजन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री श्री ललित पारधी जी द्वारा गोपाष्टमी की बधाई प्रेषित की गई। गौ माता के विषय में वक्तव्य रखते हुए कहा कि गौ माता का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक महत्व है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लखनादौन से महेंद्र कुमार डेरिया की रिपोर्ट। पूरे देश भर आज गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता का पूजन का कार्यक्रम गौशालाओं में और मंदिर निर्मित गौ पूजन के कार्यक्रम सभी हमारे जिला प्रखंड केंद्रों पर और हमारी जहां समिति है और समाज का जहां हमारे बंधु रहते हैं वहां सब के सहयोग से सबके ऊपर साथ में लेकर गौ माता का पूजन किया जा रहा है। गौ माता का आज पूजन के साथ साथ यही उद्देश्य है कि सब गाय भारत की आत्मा है, गाय इस देश की रीढ़ की हड्डी है, गाय धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक आधार से भी बहुत महत्व। वहीं सिवनी आधे गांव में थाने में पदस्थ एएसआई शेख रफीक खान की पुष्पमाला के साथ हुई धूमधाम से विदाई। सिवनी जिले के आधे गांव थाना क्षेत्र में पूर्व में पदस्थ एएसआई शेख रफीक खान की पुष्पमाला से पुलिस स्टाफ के साथ बीजेपी नेता भुवन अवधिया सहित क्षेत्रीय जनता एवं पत्रकार गणों ने की धूमधाम से विदाई। शेख रफीक खान ने 103 गांव की जनता पूर्ण रूप से इनके कार्यकाल में संतुष्ट रही। शेख रफीक खान के कार्यकाल में किसी प्रकार का ना तो भ्रष्टाचार हुआ और ना ही क्षेत्र की जनता को पुलिस विभाग से प्रताड़ित होना पड़ा। खान के कार्यकाल में पूर्ण रूप से जुआ सट्टा में लगाम रखी गई थी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लखनादौन से महेंद्र कुमार डेहरिया की रिपोर्ट। इस समय मैं आधे गाँव पे आया हुआ था। सबसे पहले मैं काल भैरव मंदिर गया था। काल भैरव मंदिर की असीम कृपा से मैं इस वर्ष 5 साल तक मैं यहाँ आप लोगों के बीच में, ग्रामवासियों के बीच में रह के मैंने सहयोग किया, नौकरी की। आप लोगों के सहयोग से ही मैं 5 साल यहाँ पर रहा हूँ। विदाई का समय तो ऐसा है कि जो आया है वो जाएगा, परंतु जो मुझे आधे गांव की जनता से जो प्यार मिला है वो मुझे भूलने लायक नहीं है, अस्मरणीय। आप क्या संदेश देना चाहते हैं थाना स्टाफ को? थाना स्टाफ को मैं ये चाहता हूँ कि जनता का सहयोग लेके और जनता से मिलके यदि कोई भी काम किया जाए तो वो सफल होता है। वहीं मंडला देवगांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का कराया गया शुभारंभ। देवगांव सिलगी प्रीमियर लीग जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित कराया जा रहा, जिसमें उद्घाटन में तलैया टोला देवगांव राम मंदिर सिली के बीच खेला गया। इस टेनिस बॉल प्रतियोगिता में निःशुल्क प्रवेश है, जिसमें 10 टीम हिस्सा ले रही। जो भी टीम फाइनल मैच में प्रवेश करती है और फाइनल जीतती है तो उसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 10,000 AKO कप दिया जाएगा। उपविजेता टीम को 5,000 AKO ट्रॉफी दी जाएगी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मंडला से सुधीर हरदहा की रिपोर्ट।
वहीं शहडोल ब्यौहारी में बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में जिला शहडोल के ब्यौहारी विधायक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक शरद जुगलाल कोल के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की स्मृति चिन्ह देकर पत्रकारों का सम्मान किया गया। पूरे देश के साथ साथ बिरसा मुंडा जयंती को प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल में 15 नवंबर को बड़ी ही वृहद और धूमधाम से मनाया जाना है। बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में ब्यौहारी विधायक शरद जुगलाल कोल के द्वारा पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें विधायक ने कहा कि देश प्रदेश भर में यह कार्यक्रम का होना बड़े ही गर्व की बात। साथ ही विधायक ने कहा कि सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शहडोल ब्यौहारी से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और उसके साक्षी बने कि आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं ये वाकई में जनजातीय समूह के, उस पिछड़ी हुई जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान में ये चीज़ें तय हैं कि लोगों तक ये बात संदेश पहुँचे कि हमारे द्वारा निर्णय लेकर जो चीज़ें जनजाति वर्ग के लिए, उनको उत्थान के लिए, उनको आर्थिक ताकत देने के लिए, उनको सामाजिक ताकत देने के लिए और शैक्षणिक ताकत देने के लिए जो कार्य योजना बनाई है, इसके साक्षी बने। ऐसे उद्देश्य के साथ 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम है। कितने कार्यकर्ता भोपाल जाएंगे? निश्चित तौर पे हम अपने क्षेत्र की बात करें तो शहडोल जिले से 1000 स्ट्रेंथ जा रही है। ऐसे ही जो दूर के क्षेत्र हैं वहाँ से 1000 के मार्फत जा रही हैं संख्या। और इसके अलावा जो भोपाल के झाबुआ, रतलाम जैसे जो जनजाति क्षेत्र हैं, मंडला, डिंडौरी, अपना बिंध क्षेत्र के भी लोग जा रहे हैं। लगभग वहाँ पे 2 लाख के जनजाति वर्ग के लोगों को एकत्र होना है और इस कार्यक्रम के वो साक्षी बनेंगे। निश्चित तौर पे कार्यक्रम अच्छा होगा, इसमें आप सभी पहुंचकर कार्यक्रम को क्या जनजाति संग्रहालय के लिए भी मांग रखेंगे? अभी तो विषय ये जनजातीय क्षेत्रों में जो उनके डेवलपमेंट के लिए जो विषय हैं उनको निर्णय लेकर उनका इम्प्लीमेंट हो। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में पूर्व CVM दिग्विजय सिंह ने भाजपा के जन उत्पीड़न के खिलाफ जन जागरण अभियान का मंडला से किया संकनाद। जनता ने भी जताई महंगाई के खिलाफ नाराजगी। ग्रामीण जनों ने बढ़ चढ़ कर लिया कांग्रेस की पदयात्रा में भाग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आंदोलन आयोजन समिति के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह ने आज मध्य प्रदेश के मंडला से महंगाई और केंद्र सरकार की अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान का जोरदार संकनाद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती व बाल दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंडला में स्थित नेहरू स्मारक पर पंडित नेहरू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। नेहरू स्मारक से ही वे जिला कांग्रेस मंडला द्वारा आयोजित जन जागरण अभियान के लिए पदयात्रा में शामिल हुए। इसी दौरान मंडला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान रहने वाले मातृ शक्तियों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। भूमिका द्विवेदी आज बाल दिवस के दिन पर बाल कांग्रेस, जो कांग्रेस ने बाल कांग्रेस बनाई, आज उसके यहाँ पर सदस्य बन रही है। बधाई, बहुत बहुत बधाई।